नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम साइंस की क्लासेस सुचारू करने जा रहे हैं और साइंस में भी मानव शरीर एवं स्वास्थ्य में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे कहते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, उन सभी में पाचन तंत्र पाया जाता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसी भी भोजन को डाइजेस्ट करने में काम करता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि पाचन, पाचन क्या होता है? आपने अधिकतर देखा होगा कि पाचन होता क्या है, कि हम जैसा भी खाना वगैरह खाते हैं तो वो खाना कहाँ जाता है। तो हम जैसे भी खाना खाते हैं, मुख गुहा से लेकर, मुख गुहा से खाना जाता है, ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रसिका में जाएगा, ग्रसिका से फिर आमाशय में आएगा, आमाशय से फिर छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आएगा, बड़ी आंत से भोजन जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, वाटर, जितने भी यूटिलाइज अपने एलिमेंट होंगे वो सब एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं और अनयूटिलाइज जो भी प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसा कि पाचन में हम देखेंगे कि जो पाचन होता है, पाचन का जो मेन अर्थ होता है साइंस की भाषा में, उसे जो कहते हैं वो कहते हैं कि हमारे जो भी हमारे बड़े टुकड़े होते हैं भोजन के बड़े टुकड़े बोल दो या फिर भोजन के बड़े निवाले बोल दो। तो जो रोटी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे विभाजित हो जाती है, तो वही हमें देखना है कि वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित हो जाती है वही हमारा क्या होता है, पाचन की प्रोसेस के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। जैसे कि रोटी के जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे 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 टुकड़ों में विभाजित कर देती है, वही क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। और जो पाचन होता है वो पाचन आहार नाल के अंदर संपन्न होता है, मुख गुहा से लेकर गुदा तक। तो जो आहार नाल होती है, अगर मानव की आहार नाल की अगर लंबाई पूछी जाए तो वो होती है 8 से लेकर 10 मीटर तक होती है। और पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो आहार नाल में संपन्न होती है। और आहार नाल की अगर बात करी जाए तो एक शाकाहारी होते हैं और एक मांसाहारी होते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं वो शाक का सेवन करते हैं, और शाक के सेवन में क्या होता है कि जो शाक होता है वो सेलुलोज होता है, और सेलुलोज जो होता है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसी वजह से जो हमारा भोजन होता है उसको पचाने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो शाकाहारी होते हैं उनका जो ये जो शाकाहारी होते हैं इनकी जो आहार नाल होती है वो बहुत बड़ी होती है, 8 से 10 मीटर तक होती है। और जो मांसाहारी होते हैं वो मांस का सेवन करते हैं, और उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और जो प्रोटीन होने की वजह से क्या है, प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और उसको अधिक सतह क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं होती है। इसी वजह से जो मांसाहारी होते हैं उनकी जो आहार नाल होती है वो छोटी होती है। यह हमें विशेष ध्यान रखना है, शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर हमें विशेष ध्यान रखना है कि किसकी आहार नाल बड़ी होती है, किसकी आहार नाल छोटी होती है। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। फिर आगे की ओर चलते हैं तो हमारा जो भोजन होगा वो किन किन अंगों से होकर गुजरेगा, तो वो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया कि सबसे पहले मुख गुहा से, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत होकर कहाँ पर चले जाएगा, गुदा में। कहाँ चले जाएगा, गुदा में चले जाएगा। गुदा में से होकर डायरेक्ट हमारा जो बाहर निकल जाएगा। फिर हमारा जो इससे रिलेटेड जो लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियां, अग्न्याशय, यकृत, इनके बारे में विशेष ध्यान रखना है कि ये क्या चीज होती है और क्या नहीं होती है।
जैसे कि हम मुख गुहा की बात करें तो इसमें हमारी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। जैसे हम आमाशय की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। अगर छोटी आंत की बात करें तो इसमें क्या होती है, भ्रूण ग्रंथि पाई जाती है। इसी प्रकार से जो अग्नाशय है, यकृत है, इनके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे आगे जैसे ही हम मुख गुहा का अध्ययन करेंगे, मुख गुहा में हम चार चीजें पढ़ते हैं। पहली चीज जो चीज होती है वो होते हैं दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे, दूसरा जीभ के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो तीसरी जो बात आती है आपकी तो वो होती है यवला, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो एंजाइम सीक्रेट करती है और उन्हीं एंजाइम से किस किस का पाचन होगा वो भी हम देखेंगे। तो जैसे कि हम पहला दांत को लेंगे, दूसरा जीभ को लेंगे, तीसरा यवला को, और चौथा हम लार ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि दांत की अगर बात की जाए तो दांत होता क्या है, दांत किस कार्य में किस काम में आता है, और दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जैसे कि दांत की बात की जाए, अगर दांतों का हम कहीं अध्ययन कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी को क्या कहते हैं। कभी कभी साइंस में ऐसा क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे ओडोंटोलॉजी। क्या कहेंगे, ओडोंटोलॉजी कहेंगे। इसके बाद में जो हमारे जो दांत होते हैं वो अगर उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए, उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो वो दो भागों में विभाजित होते हैं। एक होता है दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं अस्थाई दांत, या फिर इसी को हम कह देते हैं बच्चों के दांत। और जो दूसरा प्रकार होता है वो होते हैं वयस्क दांत, वयस्क दांत। जैसा कि हम जानते हैं कि जो दूध के दांत होते हैं वो उनकी जो संख्या होती है वो 20 होती है, और जो वयस्क दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 20 और 12 मिलाकर 32 होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर वयस्क जो दांत होते हैं उसमें भी अगर अस्थाई दांतों की संख्या पूछी जाए तो उनकी जो संख्या होगी वो हो जाएगी 12। हमें ये नहीं भूलना है कि जो अस्थाई दांतों की संख्या और अस्थाई दांतों की संख्या, अगर अस्थाई दांतों की संख्या पूछी जाए तो 12 बोलनी है, और अस्थाई दांतों की संख्या पूछी जाए तो कितनी बोलनी है, 20। अगर बच्चों में देखते हैं हम कि एक बार तो दांत आते हैं फिर 6 से 7 वर्ष में वापस गिर जाते हैं और फिर से नए आते हैं, तो जो वो दांत होते हैं वो 20 प्रकार के दांत होते हैं। यानी कि आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बच्चों में कितने प्रकार के दांत होते हैं तो वो आपको बताने हैं, कितने दांत होते हैं तो वो बताना है आपको 20 दांत होते हैं, और कितनी बार आते हैं तो वो बताना है आपको 2 बार दांत आते हैं वो बताना है। और अगर अस्थाई दांतों की बात कर रही है तो उसमें क्या होता है कि अगर उसमें ये होता है कि बच्चों में एक बार दांत गिर गए फिर वापस से दांत आए, तो वो वापस अब जब बूढ़े हो जाएंगे तब गिरेंगे फिर तो वापस आने वाले। मतलब जो अस्थाई दांतों की संख्या अगर पूछी जाए तो अस्थाई दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 12, और वो कितनी बार आते हैं, सिर्फ 1 बार ही आते हैं, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर अगर दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दांतों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं दंत विशेषज्ञ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट, दंत विशेषज्ञ कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर वयस्क दंत सूत्र, वयस्क दंत सूत्र क्या होता है, और एक दूध के दांत जिसको हम अस्थाई दांत या फिर हम बोलते हैं बच्चों के दांत, उनका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब ये वाली चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि ये चीजें कैसे बनती है। अगर संरचना और कार्य के आधार पर अगर दांतों की बात की जाए, संरचना और कार्य के आधार पर अगर बात की जाए तो पहला जो प्रकार होता है वो इंसाइजर होता है, दूसरा होता है कैनाइन होता है, तीसरा होता है प्रीमोलर होता है, और चौथा होता है मोलर होता है। मतलब संरचना और कार्य के आधार पर दांतों की अगर संख्या पूछी जाए
तो कितनी बतानी है, चार प्रकार की होती है। चार प्रकार में भी कौन सा होता है, इंसीजर, क्या कहेंगे, इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा कौन सा हो जाएगा, मोलर। और अगर इसी में भी, अगर इसमें जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है बच्चों के दांतों से, बच्चों के दांत में मतलब किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते, अगर इसका क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है कि जो प्रीमोलर प्रकार के जो दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों में किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते, तो वो हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। फिर नेक्स्ट अगर चलते हैं कि छोटे बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले आगे के दो दांत आते हैं। जैसे कि हम माउथ की बात करें तो माउथ में जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो सबसे पहले जो दांत आते हैं उनको क्या कहेंगे, ये जो प्रकार होंगे वो क्या होगा, इंसाइजर दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं, इंसाइजर। तो हमें ध्यान रखना कि जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे पहले अगर दांत कौन से होते हैं तो वो कौन सा होगा, इंसाइजर दांत हम कह देंगे। फिर हम बात आती है कि अगर शेर की बात करें तो शेर में जो वो डरावने से दांत होते हैं वो उनको बोलेंगे कैनाइन। जो बोलेंगे कि हमें शेर एक बार डरा रहा था, तो वो जो दांत है ना वो डरावने से लगते हैं, तो उन्हीं को जो बोलते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, वो कैनाइन प्रकार के होते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आ जाएगा तो इसको विशेष ध्यान रखना है। फिर अगर चूहे की बात कर ली जाए तो हमारे क्या होता है कि जो बहुत बार होता है कि घर में सामान को कुतर देता है, तो वो कुतरता किस वजह से है, तो वैज्ञानिकों ने जाना कि ऐसा क्यों होता है, तो उससे पाया कि जो अपना चूहा होता है वो अपने क्या बोलते हैं कि लंबाई होती है दांतों की, उसको मेंटेन रखने के लिए कुतरता है वस्तुओं को। फिर नेक्स्ट चलेंगे, जो दांत होते हैं, दांत सफेद होते हैं, और जो सफेद होते हैं वो सफेद होने का कारण जो होता है वो होता है कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। और जो दांत होते हैं किससे बना हुआ होता है, इनेमल से बना हुआ होता है, इनेमल से बना हुआ होता है दांत। और जो दांत का जो इनेमल पार्ट होता है, जो सफेद आवरण होता है, वो सबसे कठोर होता है, और जो कठोर होने की वजह क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है, ये विशेष ध्यान रखना है हमें। फिर हम बात करें कि इनेमल जो होगा, जैसे कि हमने बात कर ली ये हमारे दांत हो गए, ये क्या हो गए, दांत हो गए, और जो दांत की जो ये निचली परत होती है इसको हम कहते हैं डेंटिन, और इसी डेंटिन से तंत्रिकाएं निकलती है। ये जो तंत्रिकाएं निकलती हैं ये डायरेक्ट कहाँ से जुड़ी हुई होती है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, और मस्तिष्क से जुड़ने से इसका क्या फायदा है कि ये संवेदनाओं के प्रसारण का कार्य करती है, ठीक है ना, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि दांत की कठोर होने की वजह क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। दांत किसका बना हुआ होता है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि दांत किसका बना हुआ होता है, इनेमल का बना हुआ होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगर नेक्स्ट बात करें जीभ की, तो जो जीभ होती है वो इस तरह से होती है, जो जीभ होती है वो इस तरह से होती है, और ये यहां पर होता है हायर्ड बोन जिसे कहते हैं, और ये फ्रेनुलम जिसे कहते हैं, फ्रेनुलम। और इस जीभ पर छोटी 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 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है इस पर,
जो ये वाला भाग होता है, ये वाला मीठा स्वाद का ज्ञान करवाता है, फिर ये कड़वा, फिर इसकी बात की जाए मीठा कड़वा, फिर इसकी बात की जाए तो खट्टा, फिर इसकी बात की जाए इस वाले भाग की तो ये खट्ट मीठ, जिसको हम नमकीन प्रकार का स्वाद भी कहते हैं। तो हमें इसमें भी विशेष ध्यान रखने की, जो जीभ होती है, जीभ होती है तो वो जो हायड बोन होता है, हायड बोन से लगी हुई थी, और हायड बोन से भी लगाने के लिए कौन सी होती है, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है। और जो इस जीभ का मुख्य कार्य क्या है, ये स्वाद का ज्ञान करवाता है, जैसे कड़वा मीठा नमकीन कड़वा। अब जैसे नीम की पत्ते खाओगे कड़वा, तो ये कौन स्वाद का ज्ञान कौन करवाएगा, ये जीभ करवाएगी। फिर मिठाई खाती हो, मिठाई की इच्छा होती है तो वो कौन करवाएगा, तो ये जीभ करवाएगी। फिर इसके बाद में खट्टा, ये सारे जो स्वाद के जो ज्ञान, तो इसके कार्य हम जान लेते हैं कि जीभ के कार्य क्या होते हैं। जैसे हम देखेंगे जीभ के कार्य, इसमें हम पहला देखेंगे कि ये बोलने में सहायक है। क्या बोलेंगे, पहला कार्य बोलने में सहायक है। फिर दूसरा हम कहेंगे इसमें ये भोजन को घुमाने में सहायक है। फिर तीसरी बात करें तो तीसरी बात हम ये करेंगे कि ये स्वाद का ज्ञान करवाती है, ये स्वाद का ज्ञान करवाती है। आपने एक चीज नोट की होगी कि जो जीभ होती है, ये हमारी जीभ है, जीभ किससे जुड़ी हुई होती है, फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है, फ्रेनुलम के हायड बोन से, ठीक है ना। अब जो ये बीच वाला भाग होता है, यहां पर क्या होता है, स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाएगी तो वहां पे क्या स्वाद आएगा, तो नहीं आएगा। तो इसमें भी हमको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है कि जीभ में, जीभ के बीच वाले भाग पर स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, इसीलिए हमें बीच वाले भाग से स्वाद का ज्ञान नहीं होता। यह हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि जीभ की बात की जाए, मैंने जीभ में क्या क्या बताया वो देख लेते हैं। अब मैंने जीभ में ये बताया कि जो जीभ होती है इसमें बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती है, इसको क्या बोलेंगे, स्वाद कलिकाएं। और ये जो स्वाद कलिकाएं होती है ये स्वाद का ज्ञान करवाती है, जैसे नमकीन कड़वा खट्टा मीठा इस तरह से। और ये जो जीभ होती है वो फ्रेनुलम के, फ्रेनुलम से हायड बोन से जुड़ी हुई रहती है, ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर इसके जो कार्य हमने देख लिखे, एक बोलने में सहायक है, भोजन को घुमाने में सहायक है, स्वाद का ज्ञान करवाती है, ये इसके मुख्य कार्य है। और जो बीच वाला जो भाग होता है उसमें स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए ये क्या होता है, यहाँ से हमें स्वाद का ज्ञान नहीं होता। ये इतना सा हमें ध्यान रखना है जीभ के बारे में। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट यवला,
यवला क्या होता है? यवला के बारे में अगर हम देखा जाए तो यवला कहाँ पाया जाता है, हम किस में अध्ययन कर रहे हैं यवला, मुख गुहा में। तो हमें पहली लाइन तो यही लिखनी है कि यवला मुख गुहा में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? मुख गुहा में। और जो ये यवला होता है वो किसका बना हुआ होता है? मांसपेशियों का। तो हमें ये भी लिख लेना है कि यवला होता है, यवला मांस पेशियों का बना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्य कार्य रहता है वो रहता है कि जो भी भोजन है मुख गुहा में, हमने जो भी भोजन लिया है उस भोजन को कहां पर भेजना? ग्रसनी में। कहां पर भेजना? ग्रसनी में। इसका जो मुख्य कार्य है ये भी लिख लेते हैं कि यवला का मुख्य कार्य भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में ले जाना है, इसका मुख्य कार्य है। लेकिन एक और चीज हमने देख रखी है कि जो यवला होता है वो उम्र जैसे 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 ये उम्र बढ़ती रहेगी, उम्र बढ़ती रहेगी, उम्र बढ़ती रहेगी, इसके बाद में क्या होता है कि यवला का आकार भी क्या होता है? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और बढ़ने से हमें क्या हो जाएगा? बढ़ने से क्या होगा कि जब भी हम सोते हैं, सोते टाइम क्या होगा कि खर्राटों की जो साउंड आती है वो किसकी वजह से होती है? यवला की वजह से। तो यहां पर एक और लाइन लिखी है कि खर्राटों का कारण क्या लिखेंगे? यवला। ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लार ग्रंथि। जो ये लार ग्रंथि होती है वो तीन प्रकार की होती है। और सबसे पहले तो जो लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है, लार ग्रंथि का जो कार्य होगा वो लार का स्त्राव करता है, लार का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करेगा? लार ग्रंथि लार का सिक्रेशन करेगा। लार का सिक्रेशन करेगा। किसका सिक्रेशन करेगा? लार का सिक्रेशन करेगा। फिर जो ये लार ग्रंथि होती है वो तीन प्रकार की होती है। जो पहले प्रकार की देखें तो पेरोटिड बोलते हैं उसको, दूसरे प्रकार की बात करें तो सब मैंडिबुलर, और तीसरे प्रकार की कहें तो सबलिंगुअल। तीन प्रकार की लार ग्रंथि होते हैं, उसमें तीन प्रकार के क्या होते हैं? ग्रंथियां पाई जाती है, तीन जोड़ी। एक तो होती है पेरोटिड, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो इसमें सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि में सबसे बड़ी लार ग्रंथि अगर पूछी जाए तो पेरोटिड होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात की जाए तो वो होती है पेरोटिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लार में
लार का मुख्य कार्य, लार ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, कार्य क्या है, तो वो फिर लार का सिक्रेशन करना। और इसमें तीन प्रकार की जो ग्रंथियां पाई जाती है, तीन जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, इसमें होता है पेरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। और इसमें भी सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल छोटी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो पेरोटिड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात की जाए तो कौन सी होती है, पेरोटिड। और जो ये लार ग्रंथि होती है, लार रस का स्त्राव करती है, लार रस का स्त्राव करती है। और इस लार रस के स्त्राव का अगर पीएच पूछ लिया जाए, लार रस का पीएच पूछ लिया जाए, तो जो पीएच होता है 6.4 से 6.8 पीएच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लार जो रस होता है उसका पीएच कितना होता है, 6.4 से 6.8, ये हमें ध्यान रखना है। फिर क्या होता है लार ग्रंथियों में, अब जैसे कि ये जो लार रस है, लार रस, इसका पीएच मैंने बताया कि 6.4 से कितना होता है, 6.8 होता है, एक तो मेन इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या होता है, एक पानी होता है, एक होता है टाइलिन एंजाइम होता है, और एक होता है लाइसोजाइम। पानी मिलेगा, टाइलिन मिलेगा और लाइसोजाइम। ये जो लार रस होता है उसमें इस टाइलिन का मुख्य कार्य क्या है, तो टाइलिन का जो मुख्य कार्य है, जो भी आपने भोजन खाया है, जो भी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, इसका मुख्य कार्य रहता है। तो टाइलिन का मुख्य कार्य क्या होता है कि भोजन को पचाना। तो एक एक करके हम लिख लेते हैं, टाइलिन या फिर इसी को हम कहेंगे लार एमाइलेज, टाइलिन या फिर लार एमाइलेज, इसका जो मुख्य कार्य रहता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो हम रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ब्रेड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जो भी हम भोजन करते हैं उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है तो उसका जो पाचन करने का जो मुख्य कार्य रहेगा वो किसका रहेगा, टाइलिन का रहेगा, टाइलिन का रहेगा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर हमारा जो अगर बात की जाए तो मुख गुहा में, मुख गुहा में 30% जो पाचन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, वो हो जाता है। फिर बाकी का जो भी पाचन होगा वो आगे होगा। फिर हम बात करें कि अगर ये जो टाइलिन होता है, टाइलिन, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट से ये क्या बना देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किससे करता है, तो टाइलिन या फिर लार एमाइलेज, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। किससे करेगा, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज करेगा, माल्टोज में चेंज करेगा, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और अगर इस टाइलिन का ही अगर पीएच पूछ लिया जाए तो इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, 6.8, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है, दूसरा लाइसोजाइम, हम कई बार क्या करते हैं, भोजन खा लेते हैं या फिर कुछ भी अनवांटेड चीज खा लेते हैं,
तो भोजन के साथ में कुछ बैक्टीरिया भी आएंगे, हमारे जितना भी एनवायरनमेंट है आसपास का, उस एनवायरनमेंट में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होने की वजह से कुछ ना कुछ भोजन पे भी लगेंगे, और भोजन पे अगर बैक्टीरिया लगें तो वो उस ये जो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा कि लाइसोजाइम एंजाइम सबसे पहले उन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, तो उसको गला देता है और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो इसका जो मुख्य लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, इस लाइसोजाइम एंजाइम का यही कार्य रहता है कि ये सबसे पहले तो बैक्टीरिया, जैसे हमने भोजन इंटेक किया उसमें अगर बैक्टीरिया हुआ तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसको डिसोल्व करेगा, और डिसोल्व करके उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा, फिर भोजन को आगे की ओर प्रवाहित मतलब भेजेगा आगे, ठीक है ना। फिर लाइसोजाइम का जो मुख्य कार्य है ये हमने देखा। फिर आपने कई बार देखा होगा कि पहले जमाने में क्या करते थे कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह और मतलब घर के आंगन में या फिर घर में क्या करते थे, गाय का मतलब जो मूत्र होता था शुद्धिकरण के लिए उसके छिड़काव किए जाते थे। तो वो छिड़काव का कारण क्या है, बैक्टीरिया को नष्ट करना। बैक्टीरिया को नष्ट कैसे होते हैं कि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उस जो सेल वॉल होती है उसको गला देता है और उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो इतना सा हमें ध्यान रखना है, जो लाइसोजाइम एंजाइम है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गाय के मूत्र में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अगर इस तरह से अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो पाचन तंत्र होता है वो मुख गुहा में, जैसे मुख गुहा में भी हमने देखा कि दांत पड़े, हमने दांत के बाद में हमने देखा जीभ, इसके बाद में फिर हमने देखा यवला क्या होता है, और इसके बाद में हमने देखा कि जो मुख गुहा में जो लार ग्रंथि होती है वो लार का सिक्रेशन करती है, और लार के सिक्रेशन से, लार का जो सिक्रेशन होता है उसका पीएच के बारे में अध्ययन किया, पीएच क्या होता है उसका, और पीएच में भी अगर उस लार में बात की जाए तो लार में क्या होता है, एक तो पानी होगा, पानी के बाद में लाइसोजाइम एंजाइम होगा, टाइलिन एंजाइम होगा, टाइलिन एंजाइम का जो मुख्य कार्य होता है वो पूछ लिया जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको उसका जो पाचन करता है वो कार्बोहाइड्रेट को सीधा चेंज कर देता है माल्टोज में चेंज कर देता है, और माल्टोज में चेंज करने के लिए जो उत्तरदायी जो एंजाइम है वो कौन सा है, टाइलिन। और टाइलिन का अगर पीएच पूछ लिया जाए तो उसका जो पीएच होता है वो 6.8 पीएच रखता है वो। और इसके बाद में हमने लाइसोजाइम की बात की, लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम ये होता है कि जो एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि जितने भी अपने हानिकारक सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया खाने के साथ में अपने मुंह के अंदर आए, और मुंह में जितने भी बैक्टीरिया आए हैं तो सबसे पहला कार्य इसका ये रहेगा कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु भी कहते हैं, इसकी जो सेल वॉल बनी हुई होती है, कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, वो सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टिडो ग्लाइकेन की। ये हमें विशेष ध्यान रखना है, इस पेप्टिडो ग्लाइकेन को क्या करता है लाइसोजाइम एंजाइम, इस वॉल सेल वॉल को गला देता है और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आज की जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई भी इसमें जैसे कि पीएच के बारे में बात की जाए या फिर लार वगैरह की बात की जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रखती है। तो आज की जो क्लास है वो आपको ज़रूर पढ़नी है, और अदम्य एकेडमी की ओर से जो साइंस की क्लासेज जो सुचारू हो रही है तो वो भी आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है, इसीलिए अदम्य एकेडमी से जुड़े रहिए। कल और मिलते हैं अगले टॉपिक अगले इसी एक को आगे बढ़ाते हुए, कल और मिलेंगे। धन्यवाद।